बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो जीटीई बहुत ही खास टॉपिक और बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोस लेकर आते हैं उसमें जीटीई को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत टाइम हो गया जीटीई क्लियर नहीं हो रही। पर आज हम आपको जो बात करने जा रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए कि ऑस्ट्रेलिया जीटीई एक हफ्ते में क्लियर हो सकती है, कैसे पूरा प्रोसेस आपको ज़रूर समझाएंगे। स्वागत है आपका, मैं हूँ हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा और जीटी प्रोसेस को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जीटीई जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की है, अपने आप में एक बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ज़रूर रहता है कि जीटीई क्लियर होने में आखिर टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, और आप जैसे कह रहे हैं कि नेविगेटर्स ओवरसीज से जीटीई एक हफ्ते में आप क्लियर करवा सकते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, कैसे आप एक हफ्ते में जीटीई क्लियर करवाते हैं? देखो, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों के उस हिसाब के प्रोफाइल के, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, साइबर सिक्योरिटी वालों के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी जीटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली उतनी हार्ड नहीं है। हार्ड मींस कि वो सारा चेक कर रहे हैं बच्चे को, हर डॉक्यूमेंट उसका सब ठीक होना चाहिए, लेकिन लीनियंसी कहाँ है कि आप कुछ यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि जो आप फीस पे कर रहे हो उसके भी हमें प्रूफ दो 3 मंथ्स ओल्ड है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे पास 16 लाख रुपया लिविंग एक्सपेंसिव, 15 लाख रुपया, 24,450 कितना है, सॉरी, तो ये 24,550 है शायद, तो ये जो है हमारे पास ओल्ड है एंड $2,000 एयरफेयर, तो इनको मिलाएं तो अगर आज की कैलकुलेशन करूँ 15-16 लाख के आसपास आता है, वो उनके पास पुराना है, लेकिन फीस वो फ्रेश डाल सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटियाँ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं वो आप पुराना दिखाओ। तो यहाँ कुछ लीनियंसी ये आ जाती है कि बच्चा 1 ईयर की फ़ीस अपनी दिखा दे जो उसके अकाउंट में है, और लिविंग एक्सपेंसेस पुराने हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में फ़ीस चली गई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से आनी, लेकिन फ़ीस पे करने से पहले जीटी अप्रूव कराना है। तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस या एजुकेशन लोन जो भी है वो 15-16 लाख पुराना हो, फीस आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनकम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपके पेरेंट्स की इनकम 10-12 लाख मिनिमम हम देखते हैं, और अगर एक स्पॉन्सर ऐड करना है तो वो दादा या नाना कोई भी आपका हो सकता है, तो 5-7 लाख का आप वो ऐड कर सकते हो, तो आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, 15 लाख के अराउंड अगर इनकम हो जाती है और बेटर हो जाता है। तो लेकिन परसेंटेज आपकी 60% मेन 4 सब्जेक्ट्स में, जीटी में आपका एकेडमिक भी आएगा, आपके फाइनेंशियल्स भी आएंगे, आपका आइल्स स्कोर भी आएगा, उन सबको मिला के आपकी एक जेन्यून एंट्री होती है, जेन्यून टेम्परेरी एंट्री जीटी जिसको बोला जाता है। अब आपके 60% नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के जो है होना चाहिए बेस्ट 4 में, आइल्स 6.5 नॉट लेस देन 6, फंडिंग मैंने आपको बता ही दी है कि 1 ईयर का आपका जो है फीस वो चाहे आपकी अभी जमा हुई हो डजेंट मैटर, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस आपके ओल्ड होने चाहिए या एजुकेशन लोन के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये मिला के कंप्लीट जीटी प्रोसेस हो गया, वो हम आपका क्लियर करवा देते हैं, और आपका जब क्लियर हो जाता है फिर आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने के लिए बोलती है। फीस पे करने के बाद आपके पास COE आती है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, उसके बाद आप एम्बेसी में अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। फाइल लॉन्च करने के बाद आजकल वीज़ा रिजल्ट जल्दी आ रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में वीज़ा बहुत अच्छे देने वाले हैं। जी जी, ठीक है। तो मैम, यहाँ पर एक सवाल मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स के अक्सर ये सवाल रहते हैं कि बहुत टाइम हो गया जीटी क्लियर नहीं हो रही, आखिर वो जीटी डिले में क्या क्या खास तौर पर रीजंस रहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने जो फीस जमा करनी उसका भी वो कहाँ से आया, और आजकल तो 1 ईयर का भी अगर आपने पुराने फंड्स दिखाए हैं, 1 साल पहले का भी सोर्स मांग रही हैं कुछ यूनिवर्सिटियाँ।
तो वो डिले बहुत चल रहा है उस कारण जीटी में, या स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम कम है, या कई सारी यूनिवर्सिटियां बुटीक की इनकम नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, या एग्रीकल्चर इनकम नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना है। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर अब एज ए कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट कर रही है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपकी आईटीआर एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट भी लेके रखो, क्योंकि आईटीआर में तो आप जितनी मर्जी इनकम डिक्लेयर कर दो लेकिन उसका प्रूफ है कि नहीं है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले तो वो कहते थे आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, लेकिन अब आईटीआर आई तो उनको लगा आईटीआर तो हर कोई 8 लाख 10 लाख भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में तो टैक्स नहीं है। अब वो कहते हैं तहसीलदार से इनकम प्रूफ लेके दो कि वाकई में आपकी इतनी इनकम है, फिर उसकी आईटीआर आप बनवाओ। तो ये कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले खाली एमएसएमई का वो अगर किसी की इंडस्ट्री दिखाई है एक्सेप्ट कर लेते थे, अब उसके साथ जीएसटी नंबर भी मांग लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जीटी डिपेंड करती है, तो वो एज ए कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जीटी निकल सकती है, किस में जीटी ज़्यादा टफ है। जी बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है कि जीटी ज़्यादा टफ होने से वो क्लियर होते होते बच्चे का गैप क्रिएट हो जाता है और 1 ईयर से ज़्यादा गैप ऑस्ट्रेलिया लेते नहीं है, फिर उसके बाद वो अप्लाई ही नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल वही मैं ज़रूर इसीलिए कहना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स से कि एक्सपर्ट सलाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ख़ासतौर पर जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। थोड़ा सा डिले तो उसके बाद आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप सभी जानते हैं। तो अच्छी और माहिर सलाह चाहिए तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी आप ज़रूर नेविगेटर्स ओवरसीज़ की टीम से जुड़ सकते हैं। मैम को मिलना चाहते हैं तो आप ज़रूर नेविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस विज़िट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ ताकि असेसमेंट की जाए, सही ऑप्शंस और सही प्रोसेस आपको गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आज आपने जीटी को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स को क्लियर किए हैं। आगे भी इसी तरह से हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।